दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैंने दोस्तों अपने पर्सनल यूज़ के लिए बोयो BY-M1 ओमनी डायरेक्शनल का माइक्रोफोन मंगवाया है। ये देखिए, ये है माइक्रोफोन। ये फ्लिपकार्ट से मुझे डब्बा मिला है ऐसा कुछ। इसको देखिए, ये है इसका बोयो BY-M1 का। इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से। ऐसे देखते हैं, इसके अंदर कुछ बिल वगैरह तो कुछ मुझे मिला नहीं है ऐसा। ये 575 का मिला था। ये है इसका माइक। और इसके अंदर देखिए, ये यहाँ पे बार कोड दिया होता है, उसको आप स्कैन करके देख सकते हैं ये ओरिजिनल है या नहीं है। और इसके अंदर ये ऐसा डब्बा है, इसके अंदर इधर बोयो BY-M1 लिखा हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं, क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR और फोर कैम रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, PC। और ये ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है, हाई क्वालिटी कंडेंसर फॉर आइडियल फॉर वीडियो यूज, लो हैंडलिंग नॉइस, इंक्लूड लेबल्स क्लिप LR। ये इसके अंदर आते हैं, लेबल क्लिप आता है, LR44 की बैटरी आती है, फोम वाइड स्क्रीन 1x4 का अडेप्टर आता है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो अब इसको हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, क्या क्या निकलता है इसके अंदर। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी हिल रही होगी क्योंकि एक हाथ से मैंने पकड़ रखा है। एक तो ये आता है इसके अंदर, माइक का ही पूरा बॉक्स आता है, छोटा सा पाउच आता है। और क्या आता है इसके अंदर देख लेते हैं। एक ये इसका यूजर मैनुअल आता है, जो कि एक बार पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगी क्या होता है क्या नहीं होता है। और क्या आता है इसके अंदर, एक ही इसका वारंटी कार्ड है, इसकी क्या क्या पॉलिसी है, कब ये यूज होता है, कब किस किस केस में ये कवर होगा। ठीक है, ये चाइनीज लिखी हुई है, इधर इंग्लिश लिखी हुई है, इधर ये वेंडर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ETC है। अब हम इसको बॉक्स को ओपन करते हैं, जो पाउच होता है इसके अंदर। देखो, ब्रांडिंग लिखी हुई है बोयो की यहाँ पे। और इसको मैं ओपन करूँ तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये कुछ जो इसके अंदर स्पेयर चीज़ें आती है वो है। ये इसके अंदर माइक है और कुछ नहीं है। ये माइक है जो काफ़ी वायर इसकी काफ़ी लंबी है, यहाँ से ये कनेक्टिंग होता है। ओके, ये देखिए, यहाँ से ये माइक के बोलने वाला, ये DSLR या फिर फोन के अंदर या फिर PC के अंदर लगता है। इसके अंदर क्या है हम देख लेते हैं खोल कर। लेट्स सी। और मैं अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये विदाउट माइक हो रही है, तो हम इसमें देखेंगे कि माइक के साथ इसकी कैसी वॉइस आती है, वो तो नेक्स्ट होगी वीडियो, उसमें बताऊंगा। ये क्लिप है एक, ठीक है। और ये कन्वर्टर होता है कुछ, जो शायद दूसरे टाइप के सपोर्ट के लिए होगा, DSLR या PC के लिए या जो भी होगा, देखना पड़ेगा इसको कि ये किसके अंदर सपोर्ट करता है। ये माइक के ऊपर का कवर है। और ये है इसकी बैटरी, जब हम इसको DSLR के साथ यूज़ करते हैं तो ये बैटरी डालनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए, ये बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए हैं। ये इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अब दिख रहा है आपको क्लियरली। कैमरे के लिए ऊपर करना होता है और स्मार्टफोन के लिए हमें नीचे करना होता है। और बैटरी है इसके अंदर, यहाँ पे कहीं ओपन होके इसके अंदर कहीं डलेगी, तो बैटरी का हमें अभी यूज़ नहीं है, हमारे पास कोई वो नहीं है, हम तो सीधा फ़ोन से ही करेंगे। बैटरी यहाँ पे बैटरी डलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसकी करेंगे टेस्टिंग, ये कैसे कनेक्ट होता है, कैसे ये काम करता है। तो इसके बाद में जो भी वॉइस आएगी आपके पास, अभी तक की वॉइस है वो विदाउट माइक है, और इसके बाद जो वॉइस होगी वो विद माइक होगी, तो आप समझ लेना कि कैसी वॉइस है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ये वायर है इसका, काफ़ी लंबा है, मैंने इसीलिए ये बताया था काफ़ी। ये शायद 15 या 20 फीट का वायर होगा, अमूनम लमसम, ठीक है दोस्तों। ये इतना मिला है मुझे, तो चलिए।
दोस्तों मैंने माइक सेट कर लिया है, और ये जो अभी जो आवाज़ आ रही है ये माइक की आ रही है। माइक को कम से कम मुंह से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना पड़ता है हमें, एकदम बिल्कुल रखेंगे तो आवाज़ अजीब सी आएगी। और इसको मैंने माइक को टेस्ट किया है, थोड़ा फ़ोन को दूर रखे, और ये हमारे फ़ोन के नॉर्मल कैमरा में काम नहीं करती है। इसके लिए मैंने है जो है ओपन कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड की, और उसकी सेटिंग में जाके सोर्स इनपुट सोर्स एज ए माइक कर दिया, तो ये माइक चलने लग गया। अदरवाइज़ ये माइक काम नहीं करता है हमारे नॉर्मल फ़ोन्स में। मेरे पास जो फ़ोन है वो आसूस का है, उसके अंदर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैंने जैसा चेक किया था, अदर फ़ोन्स का मुझे आइडिया नहीं है। और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे मैंने ये क्लिप और ये कवर भी लगा दिया है, और जो इसके साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी आती है जो स्मार्टफोन के लिए यूज होती है वो भी मैंने। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और अगर ये माइक आप परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वहाँ से लिंक से कर सकते हो, और आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।